दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको सैमसंग की 6.5 kg कैपेसिटी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डिटेल्स में अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ये वॉशिंग मशीन किस तरह से काम करती हैं। सैमसंग ऑथराइज पर्सन की ओर से आपको पूरी डिटेल्स में बताया जाएगा कि इस वॉशिंग मशीन के फीचर्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर एक बेहतर वॉश मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन ज़रूर परचेस कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डील फिक्स करो। दोस्तों सैमसंग की 6.5 kg की ये वॉशिंग मशीन, जिसको हम अनबॉक्स करके आपको बताने वाले हैं, इस वॉशिंग मशीन में आपको जो है क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, साथ में ही कैसा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, साथ में ही दोस्तों आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली थी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन को हम जैसे अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ पर हमको इस तरह से पैकिंग मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन हमको इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन को पूरी तरह से हमने अनबॉक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी अच्छा बॉडी मटेरियल देखने को मिल जाता है। एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें फीचर्स के साथ साथ आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन में आपको मिलता है डायमंड ड्रम, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जहाँ पर जो आपको पैनल दिया हुआ है, जहाँ पर जो फंक्शंस दिए हुए हैं, उसमें बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा इस वॉशिंग मशीन में आपको चाइल्ड लॉक फीचर भी देखने को मिलता है। चाइल्ड लॉक फीचर को ऑन करने के लिए नॉर्मली आपको फंक्शन प्लस मॉनसून की को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसे चाइल्ड लॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के लिए सेम वही होता है, स्टार्ट बटन जैसे कि आप देख पा रहे हैं और फीचर्स आप देख पा रहे हैं। इस वॉशिंग मशीन में आपको 6 वॉशिंग प्रोग्राम भी देखने को मिल जाते हैं और आपको इस वॉशिंग मशीन में 680 RPM की स्पिन स्पीड भी देखने को मिलती है। और आपको जो वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है वो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डायमंड ड्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको जो है वो मैजिक फिल्टर मिलता है। मैजिक फिल्टर से हमारा मतलब ये है कि अलग अलग कंपनी में मिलता है। वैसे अगर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है एसेसरीज जो है साथ में हमें ये मिलती हैं, जी जो कमर है बैक साइड में लगता है, साथ में देखिए एक यूज़र मैनुअल गाइड हमको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पाइप भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप वाटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में जब हम बताएंगे तो एंड में आपको कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आप देख पाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप डिटर्जेंट पुट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, और डिटर्जेंट जितना आप डाल रहे हैं एक ही बार में जब आप कपड़े वॉश करेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो कपड़े के हिसाब से एक बार डिटर्जेंट पुट ज़रूर करें। ये आपको जो है वो डायमंड ड्रम देखने को मिल जाता है। और सबसे एंड में जो आपको दिख रहा है वो एक सेंटर जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो है वो एक हम मैजिक फिल्टर को ओपन कर रहे हैं। मैजिक फिल्टर कुछ इस तरह से दिखता है। इसे आपको 7 से 8 दिन के अंदर जो है वो साफ़ करना होता है। बहुत ईजी इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप इसे खोल सकते हैं। देखिए हमने जिसको इसको ओपन किया है, यहाँ पर जैसे कुछ मेल या परत जम जाती है तो 7 से 8 दिन के अंदर इसे साफ़ करके आप दोबारा लगा लें, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। सैमसंग में मैजिक फिल्टर कहा जाता है, इन्हीं कंपनी में जो है वो लिंट फिल्टर भी इसे कहते हैं। देख सकते हैं आप कि हमें एक डायमंड ड्रम यहाँ पर मिल रहा है, साथ में जो सबसे नीचे जो आपको मिल रहा है वो एक सेंटर जेट टेक्नोलॉजी, यानी कि नीचे से भी पानी जब वॉश करते हो समय आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल एक बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन हमें देखने को मिल जाती है और एक अच्छा ड्रम साइज हमें देखने को मिल जाता है। और भी चीज़ें हैं जो आपको 1-to-1 शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमको मॉडल का नंबर दिखता है, इसके अलावा सैमसंग का कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बिल्कुल जो सैमसंग के ऑथराइज जो बंदे हैं, किस जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमको एसेसरीज मिली है वो इस तरह से नीचे पीछे फिट होती हैं। साथ में जो हमें पाइप मिला है उसे वाटर कनेक्टिविटी के साथ हमें कनेक्ट करना होता है, तो देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास फिक्स लाइन है तो आप उसमें उसे कनेक्ट करा सकते हैं, या फिर जो है वो किस तरह से आप टेम्परेरी इसे कनेक्ट करना चाहें तो पाइप को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो इस तरह से फिट होता है। उसके बाद आप देख पाएंगे 2 पाइप फिट होंगे, एक पाइप से तो जो वॉश होने के बाद पानी बाहर निकल जाता है, दूसरा पाइप जो आपकी फिटिंग जो है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसको इस तरह से हम फिट करते हैं। इस तरह से उसको यहाँ पर असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद आप देख पाएंगे कि नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ हमें दिया हुआ होता है, उसको केबल कसना ही होता है। उसको करने के बाद में अगर आपके पास एक फिक्स लाइन है जहाँ पर हमेशा, तो वहाँ पर आप इसको फिक्स कर दें ताकि आपको कुछ नहीं। अभी हमने यहाँ पर टेम्परेरी आपको दिख पा रहा है कि नल के साथ में कनेक्ट करके जो है वो डेमो हमको सैमसंग की ओर से दिया जाएगा। ये आपकी 6.5 kg की, तो इसमें एक साथ समथिंग अपने अपने फैमिली कितनी बड़ी है?
हम तीन चार जने के, चार जने के हाँ। अपने चार जने के कपड़े, छह जने के कपड़े इसमें आराम से धुल जाएंगे। अच्छा, मतलब छह से सात जोड़ तक आराम से धुल जाएंगे। आपके कपड़े के हिसाब से वेट लेगी मशीन, जितना आपका कपड़े का वेट है उस हिसाब से पानी लेगी। पानी कितना लगेगा, मतलब जैसा पानी इसके अंदर कपड़े के हिसाब से लगेगा, उसके अदर में आपको पानी लेवल यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर लेवल। अच्छा, ठीक है हाँ। ये वाटर लेवल क्लिक किए आपने हाँ। वाटर लेवल के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग बताएगा। अच्छा, जितना वाटर लेवल लोगे, जैसे यहाँ पांच तक के लिया है तो एक घंटे का पूरा पूरा 60 मिनट का टाइमिंग है। अच्छा, इसको क्लिक किए, एक पे आया तो 38 मिनट का आएगा। अच्छा, दो पे 40 मिनट का आएगा, तीन पे 41 मिनट का आएगा, चार पे 43 मिनट का आएगा, पांच पे 60 मिनट का आएगा। ठीक है, आपके कपड़े के हिसाब से वाटर लेवल, आपको ऐसा लगता है कि पानी कम यूज होना चाहिए तो आप वाटर लेवल कम कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाटर लेवल एक पे किया अपन ने, 38 मिनट का टाइम लिया। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन ब्लिंक करेंगे। अच्छा, जैसे अभी तीनों कर रहे हैं। हाँ, पहले वॉश होती है मशीन, फिर रिंस होती है, फिर स्पिन होती है। वॉश बोले तो धुलते हैं कपड़े, स्पिन रिंस बोले तो खंगोला जाते हैं, खंगोलते हैं कपड़े, उसके बाद में ड्राई होते हैं, मतलब सूखते हैं कपड़े। हाँ, तो ये तीनों फंक्शन एक साथ काम करना है यहाँ पे। अच्छा, वो तीनों साथ एक साथ करेंगे तो उसको कौन सी बटन दबाना? पावर स्टार्ट किए, ये ऑफ किए, ये स्टार्ट किए। आपको अगर कुछ ही नहीं करना है, सिंपल मशीन चलाना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये स्टार्ट किए, ये स्टार्ट किए। अच्छा, आपको इसके अदर कुछ ही नहीं करना है। मशीन ऑटोमेटिकली धो भी देगी, निचोड़ भी देगी और सुखा भी देगी। ठीक है, ये हो गया सारे फंक्शन। ओके, अब इसके अदर में यहाँ पे पावर स्टार्ट किए, वाटर लेवल सेट किए अपना, उसके बाद में यहाँ पे तीनों फंक्शन चलाना है हाँ। तो स्टार्ट किए। अच्छा, तीनों फंक्शन नहीं चलाना है, सिर्फ धोना है कपड़े, सिर्फ धोना है। तो यहाँ पे वॉश पे चले गए, यहाँ पे बटन एक चक्कर पुश किए वॉश आएगा, दो चक्कर पुश किए रिंस आएगा, सिर्फ खंगोलना है, या फिर तीन चक्कर किए तो स्पिन आएगा, स्पिन बोले तो सिर्फ सूखेंगे कपड़े। तीनों फंक्शन करना है तो तीनों कर सकते हैं, और उसके अदर में दो दो चलाना है फंक्शन तो दो चला सकते हैं। जैसे सिर्फ अभी दुख काला है, सुखाना बाहर है, तो अपन ने धो लिए और स्पिन रिंस कर दिए, सुखाना नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे फंक्शन दिखेंगे। उसके अदर में सिर्फ रिंस करना है, मतलब खंगोलना है और सुखाना है। तो यहाँ पे फंक्शन पे दबाए, रिंस होगा और स्पिन होगा। ठीक है, अभी रिंस और स्पिन भी कर सकते हैं अपन, और ओनली स्पिन करना है तो यहाँ ओनली स्पिन हो जाएगा। ये स्पिन पे गए, सिर्फ सुखाना है कपड़े, और यहाँ पे स्टार्ट किए, तीनों एक साथ अपने करना है, ये बटन से सारे फंक्शन चलेंगे। सर्फ कितना डालना है? सर्फ अपने हिसाब से डाल सकते हैं अपन। अच्छा, अपने को पता चलता है सर्फ डालने का प्रोसीजर ऐसा रहेगा, यहाँ से ऐसा ओपन करना है। अच्छा, यहाँ पे सर्फ डालना है आपको, एक चक्कर के यूज में अपन दो चम्मच सर्फ डालते हैं, दो चम्मच सर्फ डाले, सूखा डालना है, गीला नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ दो चम्मच सर्फ डालना है। अच्छा, इसको गेट बंद कर देने का है, ये गेट बंद किए, यहाँ स्टार्ट किए, ये अपन ने अभी स्पिन लगाए है तो सिर्फ स्पिन होगा। पहले पानी पूरा जो भी पानी है इसके अंदर वो फेंका जाएगा, वो पाइप में सारा पानी। हाँ, ठीक है, उसके बाद में दो मिनट धोने के लिए पानी डाले हाँ। तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि अपने वो निकालना पड़ेगा? सब ऑटोमेटिक होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे बटन दबा दिए ना हाँ। तो उसके हिसाब से पानी लेगी मशीन, उसी के हिसाब से निकाल भी देगी। मतलब पानी डालने के पानी दो चक्कर यूज होगा आपका, पहली चक्कर वॉश में होगा, फिर रिंस में होगा, उसके बाद में सूखेगी कपड़े। ठीक, दो बार पानी लेगी। ये टाइमिंग का है, मानसून टाइम हाँ। इसको अपन अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी धोना हो अपने को मान लो हाँ। यहाँ पे 15 मिनट इमीजिएटली लिखा हुआ है और 30 मिनट लिखा हुआ है, टाइमिंग एडजस्ट करना हो तो इससे हो जाएगा, इससे प्रोग्राम चलेंगे, इससे वाटर लेवल हो जाएगा, इससे चालू होगी मशीन, इससे बंद मतलब चालू हो जाएगी, स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट हो जाएगी, इससे पुश करना हो पुश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, यहाँ अपने कैसे कपड़े धोना है हाँ। ठीक है,
नॉर्मल पे आपको तो वैसे नॉर्मल का ही यूज रहेगा, क्योंकि अपन ऐसे स्पेशली तो कपड़े धोते ही नहीं है कि कॉटन का है तो सिर्फ कॉटन के धो रहे या सिंथेटिक है तो वो धो रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल पे चलने देना। उसके बाद में क्यूट वॉश करके ऑप्शन है, इसके अंदर सोप नॉर्मल का ऑप्शन है, ये जो लिखा है डिले, ये जो डिलेंट है ना, ये कैसा रहता जब आपको मशीन आपको लग रहा है कि अब इसको अपने को ऑफ करना है, अच्छा तो यहाँ पर टाइमिंग दिया है, यहाँ पे 10-15 मिनट तक के आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी मशीन, अच्छा, कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस हिसाब से ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके अदर में अच्छा, इसमें मशीन चलाते हुए कोई शॉक वॉक का डर तो नहीं? ये किक नहीं, शॉक वॉक का कुछ नहीं, अगर जो आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग मारेगी। अच्छा, यहाँ किक वॉच है, ये जो प्रोग्राम अपन तुमको एक घंटे में बताया था मैंने, हाँ। यहाँ पे आओगे जैसे मतलब अपने कपड़े गंदे नहीं होते, घर में यूज हो रहे हैं, गंदे नहीं हुए, नॉर्मली धोना है, हाँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन पे आना है आपको और स्टार्ट करना है, तो इससे क्या होगा जल्दी जल्दी प्रोग्राम ले लेगी, जो 10 मिनट के कपड़े धुलते हैं वो 5 मिनट में धुलेंगे, 2 मिनट में रिंस हो जाएंगे, 5 मिनट में ये हो जाएंगे, तो उससे जल्दी काम हो जाएगा किक वॉश में, ठीक है। और डेली केस बोले तो वो पानी आएगा, पानी। ये डेली केस, डेली केस, ये देखो पानी लेवल बराबर आ रहा है आपका, हाँ। है ना, हाँ। सर को डाल दिया, अभी ये किक वॉश पे ऑप्शन पे चल रही है, हाँ, ये 27 मिनट का इस पे टाइमिंग लगा, इसमें पानी लेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी और सूख भी जाएगी। ये इको टब क्लीन है, इसको क्या करना है आपको, टब क्लीन होगा, इसमें कोई सर्फ नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, हाँ। सिर्फ ये ऑप्शन पे ला करके इसको स्टार्ट कर देना है। अब स्टार्ट करने के बाद में होगा ऐसा, आपका पानी लेगी मशीन, ये जो टॉप इंटरनल है, ये जो ऊपर से दिख रहा है आपको वो क्लीन दिखता है, लेकिन जो इसके अंदर से है, बैक साइड से है, वो खराब हो जाता है, उसको छाल लग जाती है, ये परत जम जाती है, तो वो ये महीने, 2 महीने, 4 महीने में एक चक्कर भी किए चलेगा। यहाँ आना है, स्टार्ट कर देना है और उसके अंदर में कुछ भी नहीं करना है, उसको खाली मशीन, 1-2 घंटे का टाइमिंग है वो, 1.5 घंटे का टाइमिंग है, पूरी खाली मशीन चलने देना है, ये आपको 3 महीने में एक बार करना है, तो उससे ये होगा कि मशीन डैमेज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, 2 महीने 3 महीने में जैसा, हाँ, एक चक्कर करना है अपने को, तो इससे ये होगा कि आपकी मशीन खुदो खुद क्लियर हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी मशीन को, ठीक है। आपको फंक्शन सब समझ में आ गए, ये फिल्टर है, ये फिल्टर को अपने को क्लीन करना है, कितने दिन में, 8 दिन, 4 दिन, ये आप 8 दिन में करो, 10 दिन में करो, इसके अंदर क्या होगा, जो भी कचरा मट्टी जो भी है आपकी, इसके अंदर जमा हो जाएगी, तो आपको इसको ऐसा निकालना है, इसको धो लेने का है, वापस पैक करके इसको इस तरह से लगा देने का है, ठीक है। ये लग गया, निकालने की इजीली प्रोसीजर, हाँ। है, इसको दबाएंगे तो निकल जाएगा, वैसे निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इसको आपको स्टार्ट करना है, हाँ, तो सिंपल सा ये पावर, ये दबाए, अभी अपने को सिंगल शर्ट है, कम कपड़े है या कम गंदे है, तो अपन किक वॉश पे कर सकते, अगर वो नहीं करना है तो यहाँ के पूरे फंक्शन पे करना है, तो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। अभी अपन ने किक वॉश पे लगाए, ये अपन किक वॉश पे हटा देते, ये नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल पे दबाओगे आप तो यहाँ से टाइम चालू हो गया, यहाँ पे कपड़े के हिसाब से वेट लिया उसने 47 मिनट, तो 47 मिनट तक के चलेगा, पहले पानी लेगा, पानी लेने के बाद में फंक्शन ऑन होगा उसका, ठीक है। वो कपड़े के हिसाब से पानी लेगा, वो कपड़े के हिसाब से वेट लेगा आपको, हाँ। पानी का वो करना है, पानी लेवल कम करना है, तो यहाँ पे 38 मिनट आ गया, 47 से 38 हो गया, यहाँ पे वाटर लेवल 1 पे चलाओगे तो अच्छी बात है, आपका पानी बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा। ये स्टार्ट किया अपन ने, अभी 38 मिनट का पूरा टाइमिंग आप चलने दो, अभी ये अच्छा, कितने परसेंट सूख जाते कपड़े, 70% 70%,
थोड़ा सा फरका जाते वो हाँ। थोड़ा सा तो सुखाना ही पड़ता है उसको। सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन में आपको मिलती है 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी, वहीं पर 2 साल की आपको मोटर पर वारंटी मिल जाएगी। इस वॉशिंग मशीन की करंट प्राइस है 16,290 रुपए, जिसकी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर इन प्राइस एंड फीचर को जरूर चेक करें। और अगर आप इस वॉशिंग मशीन को अपने लिए बाय करना चाहें तो बिल्कुल आप इसे वहां से बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अनबॉक्सिंग रिव्यू, जहां पर हमने आपको इस वॉशिंग मशीन के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में ही अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप होम अप्लायंस या किचन अप्लायंस के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लाइक एयर कंडीशन, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन या फिर टेलीविजन, तो हमारी वेबसाइट dealfixkaro.com पर जरूर विजिट करें। जस्ट आप गूगल पर जाकर टाइप करें dealfixkaro, उसके बाद आप एयर कंडीशन टाइप करें तो आपको एयर कंडीशन की सारी कंपेरिजन डिटेल्स में मिल जाएगा, या फिर आप किचन अप्लायंसेस के रिगार्डिंग सपोज मिक्सर ग्राइंडर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जस्ट मिक्सर ग्राइंडर टाइप करें, आपको हमारी वेबसाइट dealfixkaro पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।